विकसित भारत संकल्पना यात्रा कोट्लादि पौरुल्लो निर्लक्ष्य भावन लेकुंडा चेयडमे विकसित भारत योक्क संकल्प यात्रा मुख्य उद्देश्यं दीनिकि विच्चेसिनटुवंटि गौरवनीयुलु निजामाबाद पार्लमेंट सभ्युलु श्री धर्मपुरी अरविंद गारु स्वागतं सुस्वागतं सर गौरवनीयुलु निजामाबाद जिल्ला अडिशनल कलेक्टर श्री चित्र मिश्रा गारु स्वागतं सुस्वागतं गौरवनीयुलु लक्कोर सर्पंच गारु वंशी कृष्ण गौरवनीयुलु लक्कोर ग्राम वेल्पूर एमपीटीसी गारु श्री गंगामणि गारु गौरवनीयुलु निजामाबाद जिल्ला डीआरडीओ श्री चंद्रनायक गारु गौरवनीयुलु निजामाबाद जिल्ला डीपीओ श्री डॉक्टर जयसुध गारु गौरवनीयुलु निजामाबाद जिल्ला व्यवसाय अधिकारी श्री वाजिद हुसैन गारु गौरवनीयुलु एलडीएम निजामाबाद श्रीनिवास गारु गौरवनीयुलु निजामाबाद जिल्ला डीओ गारु गौरवनीयुलु निजामाबाद जिल्ला ईई आरडब्ल्यूएस श्री राकेश गारु डीएम अंड एचओ निजामाबाद गारु गौरवनीयुलु निजामाबाद जिल्ला डिप्यूटी डीएम अंड एचओ आर्मूर गारु श्री डाक्टर रमेश गारु गौरवनीयुलु डीएलपीओ आर्मूर श्रीनिवास गारु गौरवनीयुलु तहसीलदार वेल्पूर मंडलम श्री नागार्जुन गारु गौरवनीयुलु एमईओ वेल्पूर वनजारेड्डी गारु गौरवनीयुलु पीजीएचएम जेडपीएचएस लक्कोरा रेणुका मैडम गारु अलागे इतर जिल्ला स्थाई मंडल स्थाई अधिकारुलकु मरियु ग्राम स्थाई अधिकारुलकु ग्राम प्रजलकु पत्रिका विलेकर्लकु अनाधिकारुलकु इक्कडिकि विच्चेसिन अंदरिकी स्वागतं सुस्वागतं वेदिक मीद उन्नटुवंटि गौरव पार्लमेंट सभ्युलु धर्मपुरी अरविंद गारिकि अट्लागे चित्रा मिश्रा ऐएएस लोकल बॉडीस गारिकि अट्लागे ग्राम सर्पंच गारिकि इतर जिल्ला स्थाई मंडल स्थाई अधिकारुलु पात्रिक विलेकर्लंदरिकि नमस्कारं ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుగా జ్యోతి ప్రజలతో ప్రారంభించవలసిందిగా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు గాని విన్నవించనేను ధన్యవాదాలు సార్ ఈరోజు వికసిత్ భారత సంకల్ప యాత్రను మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి వర్యులు ఈరోజు
మూడు గంటల యాభై ఎనిమిది నిమిషాలకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ వికసిత భారత సంకల్ప యాత్ర అనే కార్యక్రమం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్నటువంటి వివిధ సంక్షేమ పథకాల యొక్క అమలు తీరు సమీక్ష ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తీసుకోవడానికి అవగాహన కల్పించడం కోసమని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందుకు గాను ఈ కార్యక్రమాన్ని జిల్లాలో అమలు చేయడానికి మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు సుమారుగా 7 టీంలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. జిల్లాలో ఉన్న 530 గ్రామ పంచాయతీలకు గాను 7 టీంల ద్వారా ప్రతిరోజు 2 గ్రామ పంచాయతీలను కవర్ చేస్తూ సుమారు 40 నుంచి 50 రోజుల కాలంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి ప్రజలందరికీ చేరువలో కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలను తీసుకువెళ్ళడానికి అవగాహన కల్పించడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు మన పార్లమెంట్ సభ్యులు గారు ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది. అయితే ముందుగా ప్రధానమంత్రి వారు మాట్లాడే కన్నా ముందు మా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యుల ద్వారా కరపత్రాలు ఆవిష్కరించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. బీజేపీ బాలకొండ నియోజకవర్గ సభ్యులు మల్లికార్జున రెడ్డి గారు స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. వెల్కమ్ సార్. నిజామాబాద్ జిల్లా డీఓ గారు వెల్కమ్ సార్. విద్యాశాఖ అధికారి దుర్గప్రసాద్ గారు, గ్రామ ప్రజలందరికీ ముఖ్య విజ్ఞప్తి. మండల్ మే మేరే సాథీ సభీ సాంసద్ గణ్, విధాయక్ గణ్ एवं देश के हजारों स्थानों से एवं महिलाओं तक योजनाओं को पहुंचाने वाले जो देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं,
ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आप सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप जब मुख्यमंत्री थे तभी से विकसित भारत का विजन आपने सोच रखा था। आजादी के इतने वर्षों बाद भी करोड़ों परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। पहले लोगों के पास रहने के लिए ना अपना घर था, ना नल वाला पानी था। लोग बिजली, सिलेंडर और टॉयलेट्स के अभाव में अपना जीवन जीने को मजबूर थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने मई 2014 में दायित्व संभाला, देश में 14 करोड़ गैस के कनेक्शन थे। आज ये 14 करोड़ कनेक्शन 32 करोड़ से अधिक बन गए हैं। 2004 और 14 के बीच जो राजीव आवास योजना में 1,05,000 आवास सैंक्शन हुए, उसमें से केवल 4,000 बन पाए। लेकिन 2014 से अब तक हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिला के आपने 4 करोड़ घर सैंक्शन कर दिए हैं। 2014 में 18,000 से ज्यादा गांव में बिजली नहीं थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने भारत के सभी 6,50,000 गांव में पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन करवा दी है। इन सभी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में महिला सशक्तिकरण पर मोदी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। जैसे उज्ज्वला के अंतर्गत नए एलपीजी कनेक्शन या आवास योजना के अंतर्गत नया घर, इन सभी की लाभार्थी महिलाओं को बनाया गया है। इस क्रम में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ ग्रामीण महिलाएं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रतीक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आज चंदरपुर में बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनने की ऑलरेडी बात कर रही हैं। इस योजना में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इस प्रकार का कौशल प्रदान किया जाएगा, जिससे छोटे उद्यम शुरू करके प्रति परिवार कम से कम 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष की आय अर्जित कर सकें, जैसे कि प्लंबिंग, टेलरिंग, बुनाई, ड्रोन ऑपरेशन, एलईडी बल्ब बनाना आदि। लखपति दीदी के तहत पिछले मात्र 4 महीने से 2,00,000 के अधिक बनाने का लाभ उठाया ऑलरेडी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कृषि कार्यों में सहायता के लिए ड्रोन दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग और लोन भी दिया जाएगा। यह स्कीम महिला सशक्तिकरण, आर्थिक समावेश एवं तकनीक का अनूठा संगम है। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और लोगों को मौके पर लाभ देने के लिए देश के सभी 6,50,000 गांव में और 5,000 शहरों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा 3,200 से अधिक वैन्स के माध्यम से लगभग 65,000 ग्राम पंचायत और शहरों तक पहुंच चुकी है। छोटे से समय में ही 2,50,00,000 लोग इससे जुड़ चुके हैं और अब तक 1,80,00,000 लोगों ने भारत को विकसित करने
में अपना योगदान देने का संकल्प लिया है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाखों लोगों ने अपना अनुभव शेयर भी किया है। प्रधानमंत्री जी, 2047 में जब देश विकसित होगा तो वे विभाजन के भी 100 वर्षगांठ होगी। देश ने विभाजन की पीड़ा 76 साल पहले देखी थी। आज भी हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो वो पीड़ा देखने पर रही, पर जब कुछ लोग देश की जाति, भाषा, नॉर्थ साउथ, धर्म की संस्कृति का के आधार पर बांटने के प्रयास करते हैं, ये बहुत दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी, आपने हमेशा नेशन फर्स्ट का नारा दिया और आज आपकी विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारतवर्ष के एक सूत्र में पिरो रही है। पूरे देश के लोग आज इस सपने से जुड़ गए हैं और उसे पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी का एक रूप है कि आज देश का युवा माई भारत ऐप पर भी जोर शोर से जुड़ रहा है। विकसित भारत बनाने का जो 2047 तक का सफर है, उसे सफल बनाने की गारंटी का नाम है नरेंद्र मोदी। बताता हूं क्यों। कोई देशवासी छूट ना जाए, ये चिंता थी मोदी जी की। यात्राओं के तो बहुत लोग करते हैं, कुछ अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, लेकिन अपने फायदे के लिए करते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो भारत के 140 करोड़ लोगों को फायदा दिलवाने के लिए है। भाइयों और बहनों, सरकार आपके द्वार लिए लाए है मोदी जी। जिन अफसरों से मिलने के लिए पहले आपको समय मांगना पड़ता था, आज वो हाथ जोड़कर आपके सामने सेवा के लिए आए हैं। काम होगा तत्काल, बिना लाग लपेट के, क्योंकि आप हैं मोदी जी के वीआईपी। आइए इस सब भारत के विकसित बनाने की यात्रा में अपना योगदान देकर माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प का साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश के गांवों और शहरों से करोड़ों की संख्या में लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। शहरी भागों से हो रही यात्रा के अनुभव को आधारित आइए एक छोटी फिल्म देखते हैं। बीते 10 साल हैं मिसाल साफ नियत और स्पष्ट नीति के, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ रोज आगे बढ़ते भारत के, 140 करोड़ आकांक्षाओं के। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व ने बदली है देश की तस्वीर और रखी है विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की मजबूत नींव। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन ही है, जहां स्वच्छ भारत अभियान से देश को नई पहचान मिली है, वहीं तेज रफ्तार से दौड़ती मेट्रो ने शहरी आवागमन को गति दी है। आधुनिक सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे, एम्स से लेकर आईआईटी और आईआईएम तक, और स्टार्टअप से लेकर एमएसएमई और मुद्रा तक, आज देश में अवसर बढ़े हैं और लोगों के सपनों को नई उड़ान मिली है। देश के शहर स्मार्ट सिटी के रूप में उभर कर लोगों का जीवन सुगम बना रहे हैं। गरीब कल्याण अन्य योजना से लेकर स्वनिधि तक और आयुष्मान से लेकर जन औषधि तक, व्यापक और समग्र प्रयासों ने गरीबों के जीवन को आसान बनाया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ करोड़ों करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचा है, सीधे पहुंचा है, बिना किसी बिचौलिए के।
देश भर में आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए लाभार्थियों से संवाद करेंगे। आइए सबसे पहले मुंबई में कांदिवली चलते हैं, जहां मेघना जी जुड़ी हुई हैं। मेघना जी नमस्ते। नमस्ते सर। मेघना जी पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं मुंबई कांदिवली मुंबई से हूँ और मैं सिंगल मदर हूँ सर, और मैं बचतगढ़ से जुड़ी हूँ और मैं मेरा कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर। और मैं ये व्यवसाय जब भी चालू किया सर, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फुटपाथ पे खाना लगाती थी। तो आपका जब भी 2016 में मुद्रा का योजना आया सर, उसमें से मुझे कैनरा बैंक ने 90,000 का लोन दिया, 90,000 का। तो वही पैसों से मैंने सर मेरा बर्तन खरीदे और मेरा व्यवसाय को आगे बढ़ाया। और मेरे दो बेटे होने के, सिंगल मदर होने के कारण मुझे बेटों को पढ़ाना था। तो मेरा बड़ा बेटा बाहर गांव में पढ़ रहा है फ्रांस में, तो उसके पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए था सर। ये आपकी योजना ही, और मैंने मेरा व्यवसाय आगे बढ़ाया और मुझे मुद्रा एजुकेशन लोन भी मिला। एजुकेशन लोन के साथ में भी मुझे स्वनिधि का भी लोन मिला सर। स्वनिधि के साथ में समृद्धि का भी मुझे मुद्रा योजना, मुद्रा का लाभ, एजुकेशन का लाभ और स्वनिधि का लाभ। हाँ सर। हाँ, ये सब मुझे आपकी वजह से मिला सर। आपने योजना नहीं लाते तो मैं बच्चों को पढ़ाई करने के लिए विदेश नहीं भेज सकती। अच्छा, ये योजनाएं प्राप्त करने में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी या सिंपल वे में बैंक में आपने अप्लाई किया और मिल गया? नहीं सर, मुझे दिक्कत नहीं आई। मैंने मेरा पेपर बैंक में दिया और 8 दिन के अंदर मेरे खाते में पैसे आए सर। अब जो लोन मिला है वो आप समय पर बैंक में जमा कर देती है पैसे? हाँ सर, मैं सही समय पे पैसा देती हूँ सर, भरती हूँ। और मुझे स्वनिधि का 10,000 मिला है, वो भी मैं सही समय पे बैंक में देती हूँ। और मैं अगला 20,000 का भी लेना चाहूंगी सर, इंस्टॉलमेंट। लेकिन स्वनिधि में अगर आपका ठीक से कारोबार किया और UPI से किया डिजिटली, तो फिर आपको दूसरा लोन मिल सकता है, फिर तीसरा मिल सकता है, और उसमें धीरे धीरे ब्याज कम होता है, वो आपको पता है? हाँ सर। तो दूसरे के लिए आपने अप्लाई किया है? सर अभी मेरा ये थोड़ा सा ही बाकी है, ये जैसे ही मैं पेड करूंगी सर, मैं दूसरा जरूर लेना चाहूंगी। अच्छा, आपके साथ कितने लोग काम करते हैं मेघना जी? सर मेरे साथ अभी, मैं जिधर कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर, उसमें मेरे साथ में मैं 25 मेरे बहनों के काम दी हूँ। और हमारी आधारिका समाज संस्था में हम लोगों ने आपका जब भी PM कौशल विकास योजना का जो सिलाई का प्रशिक्षण लिया, तभी हम लोग वहाँ पे ही काम करते हैं सर सिलाई का। तो 100 महिलाएं कम से कम आधारिका समाज में काम करती है। और हम श्री श्री रविशंकर जी के वहाँ से हमको थैली सिलाने का बड़ा काम मिलता है सर। अच्छा, और वहाँ से आपको काम भी मिल जाता है? हाँ सर। और उसके साथ हम लोगों ने हैंडमेड रजाई का भी काम किया, जो कि अमेरिका और कनाडा में एक्सपोर्ट हुआ सर। आप विदेशों में बाल भेज रही हो? सर हाँ सर, आपकी वजह से सर ये सब कुछ हो पाया। नहीं तो आपके अगल बगल के लोगों को पता है कि मेघना जी ने इतना बड़ा कमाल कर दिया है? सर मैं जिनको पता नहीं है उनको भी मैं बोलती हूँ सर कि आप लोग भी इसका योजना का लाभ लीजिए, जैसे कि मैंने लिया। मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया, सिंगल मदर होने के बाद भी मैंने आपकी वजह से मेरे बच्चों को पढ़ा के विदेश भेज सकी सर। वैसे ही मेरे सब बहनों को मैं बोलती हूँ। तो और मेरा छोटा आप ये सर, लोगों को जो रोजगार दे रही है, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या अनुभव आता है आपको? सर उनको पहला काम नहीं था सर, कोरोना में भी उनको काम नहीं मिल रहा था। पर मैं कोरोना के टाइम में भी टिफिन बनाती थी, जो रोटी बाजी खिचड़ी बना के मैं BMC में कर्मचारी को देती थी सर, तभी भी उनका घर चलता था, ताकि मेरा व्यवसाय चालू था तभी सर। मेघना जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने साबित कर दिया कि हमारे देश की आत्मनिर्भर महिला सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। आपने ना सिर्फ अपना काम आगे बढ़ाया बल्कि दूसरे लोगों की भी चिंता की है। हमारी सरकार आप जैसे दृढ़ निश्चयी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए
लगातार कोशिश कर रही है। मुझे खुशी है आप सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां पर जाना है अभी। अब हम असम में गुवाहाटी चलते हैं, जहां कल्याणी जी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मेरे नाम कल्याणी राजवंशी है, मैं असम गुवाहाटी की रहने वाली हूं। कल्याणी जी अपने बारे में बताइए। सर मैं पहले गृहिणी थी, घर में खाना बनाए थे, उसके बाद में हम डे एनुअलम के तरह गुवाहाटी पौर निगम के अंदर हम SSG खोले थे। उसको बाद हमारा SSG मिलकर हम ट्रेनिंग मशरूम का ट्रेनिंग लिया था सर। उसको बाद जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का 2000 रुपये मिला था, उसको बाद हमें हमारा जो असमिया लारू पिठा है ऐसे बनाया है। और उसको बाद हमारा जो आसपास लोग है, गरीब महिला है, उसको मिलकर हम एक एरिया लेवल फेडरेशन बनाया है, उनका नाम पर्सोना LF है। उसको बाद जो आपका सरकार ने दिया है 50,000 रुपये, उनको हमको मिला है। वो मिलकर हम एक फ्रूट प्रोसेसिंग का यूनिट भी खुला है। हमारा जो असमिया तातखाल है, उविंग सेंटर है, वो भी खुला है। हमारा असमिया गामोसा भी है, और जो बड़ो लोगों का हमारा आना दखना ये भी मिलते हैं। और उसके बाद हमने सर एनुअलम के अंदर और जो हमारा आसपास औरत है, 3000 महिला हम SSG खोल दिया है। और 3000 महिला से हम 300 SSG को हम बैंक लिंकेज कर दिया है। उन लोगों ने लोन पाया है, और उन लोन पाने के बाद उन लोग अपने आप से निर्भरित हो गए हैं सर। उसको बाद हम डे एनुअलम से सामाजिक कर्मकर्ता से हम एक रिसर्च पर्सन से काम किया है। उसको बाद वो लॉ देख कर हमको असम गौरव से 2023 मार्च से हमको सम्मानित किया है सर। हम बहुत प्राउड ऑफ यूर जो आप रहते हैं सर। हम ऐसे और हमारा जैसे और औरत आगे बढ़ कर आई है, हमारा परिवार जैसे चला है, वो भी गरीब महिला आकर ऐसे चले सर। कल्याणी जी, आपका तो नाम ही ऐसा है कि आप लोगों का कल्याण करती हैं। जी सर। कल्याणी जी, कुल कितने रुपयों का कारोबार किया आपने? पहले खुलो सन से हम सर मशरूम का एक यूनिट खोला था, जो 2000 रुपये था खुलो सन। उसके बाद में हम सोचा जो हमारा असम गवर्नमेंट का 15,000 मिला था, उसको बाद हमने हमारा फूड प्रोसेसिंग से एक यूनिट खोला है सर। उसको बाद हमारा आसपास औरत मिलकर हम एक एरिया लेवल फेडरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी खोला है, उनमें से हमारा 200 महिला है। और हमारा असमिया आपको PM FME के तहत कितनी मदद मिली? 40,000 की मिला है सर। मिला है सर, हम अपने को 40,000 मिला है। और हमारा पाठना एल एफ को 17,786 मिला, 17,786,000 मिला है सर। कल्याण जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? HS पास है सर। हाँ, अच्छा, मुझे बताया गया है कि आपको 2023 का असम गौरव अवार्ड भी मिला है, ये अवार्ड आपको किस वजह से मिला था? वो जो हमारा सर PM स्वनिधि स्कीम है, हमने सर हजार हजार जो फुटपाथ का दुकानदार है ना, उन लोगों को हम जाकर समझाया है, उन लोग को आपका लोन लेना है, वो तो 7% इंटरेस्ट है, वो तो इसलिए सर हमको मिला है। अच्छा कल्याणी जी, आप तो लोगों का काम कर रही हैं, आपके सेल्फ ग्रुप से जुड़ी हैं, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव पहुंची तो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को और पूरे गाँव को इसका स्वागत कैसे किया था आपने, कार्यक्रम कैसा किया था? सर वो जो हमारा 28 नवंबर से हमको आरंभ किया है, लेकिन उनके पहले हम 3 दिन 25 तारीख के पीछे हम आसपास जो महिलाएं है उसको हम SSG महिला का समझाया है। वो हमारा मोदी जी का गारंटी एक गाड़ी आया है, उनमें से आप लोगों का रेशन का जो रेशन कार्ड है उनको आयुष्मान कार्ड मिलेगा और उज्ज्वला कार्ड फ्री मिलेगा। वो जो हेल्थी के लिए हमारा बिना मूल्य है ना उसको मिलेगा। और हमारा जो PM स्वनिधि का स्कीम है उसको आपको बिना मूल्य के आपको लोन मिलेगा, ऐसे ही हम सर बता दिया है, स्वागत किया है सर।
अच्छा कल्याण जी, आपकी वजह से और भी महिलाओं को लाभ मिला है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर, ये उत्साह और जज्बा हमेशा बनाए रखिए। आप न सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अच्छा काम कर रही है, बल्कि साथ ही आप समाज सेवा का काम भी कर रही है। जी सर, आप उदाहरण है कि जब हमारे देश की महिला आत्मनिर्भर हो तो समाज को कितना फायदा होता है। चलिए अब देखते हैं कौन है मोदी के गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जुड़ रहे हैं। अब हम केरल में कोड़ीकोड चलते हैं, जहां धर्मराजन जी जुड़े हुए हैं। धर्मराजन जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। अच्छा कहां से हैं धर्मराज जी आप? नमस्ते सर, वो मलयाली है, मैं अनुवाद करके बता दूंगी सर। हाँ बताइए। गुजरात सर, धर्मराजन कोड़ीकोड़े। कोड़ीकोड़े मावूर, मावूर। अच्छा धर्मराजन जी आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, जरा ये ट्रांसलेशन करेंगे उसके बाद मुझे बताइए। സാർ, ഞാൻ വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്നു, ഭാര്യ ഉണ്ട്, രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. സാർ, മേ കേലേക്ക് ഖേത്തി കറയോ കറാവോ മേരെ ഏക് പത് ഏക് പത്നി ഹേ ഏക് ദോ ബച് ബേട്ടിയാ ഹേ. അച്ഛാ ധർമ്മരാജ് ജി, ആപ് കേലേക്ക് ഖേത്തി കറ രഹേ, സർക്കാർ കി കിസ് യോജന കാ ആപ്കോ ലാഭ് മിലാ ഹേ? സർക്കാരിന്റെ ഏത് യോജനയാണോ കിട്ടിയത്? സാർ, കെസിസി ലോൺ, പിഎം കിസാൻ, സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന. സാർ, ഇൻകോ ഭാരതീയ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് കെസിസി ലോൺ മിലാ ഹെ, ഫിർ പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ഭീ പ്രാപ്ത ഹുയെ ഹെ സർ, ഓ ഇസ്കെ അലാവ പിഎം ജെ ബി വൈ, പിഎം എസ് ബി വൈ കാ ഭീ ലാഭ് ഉൻകോ മിൽ രഹേ സർ. ये सारा जो लाभ आपको मिला है, उसके पहले लाभ नहीं मिला, अब मिला तो जीवन में क्या बदलाव आया? सर, कृषि ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല സഹായം കിട്ടി, പിന്നെ അതേപോലെ പിഎം കിസാൻ വാഴയ്ക്ക് വളം ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകരിച്ചു. सर, खेती करने के लिए मुझे आर्थिक सहायता प्राप्त हुए है, और इसके साथ साथ पीएम सम्मान निधि से जब भी वो जो खाद और कीटनाशक सब जब खरीदने के लिए मुझे लाभ बहुत प्राप्त हुए है सर, आर्थिक सहायता। अच्छा धर्मराज जी, किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिलता है, वो पैसे का क्या उपयोग करते हैं आप? सर, कृषि की वलम सियान को उपयोग करूं सर, खेती के लिए जो खाद वगैरह बनाने के लिए जो यूज करते हैं सर। अच्छा, पहले ऐसे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो आप किसी से ब्याज से पैसे लेते थे, अब ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ता है। सर, പുറത്തുനിന്ന് വലിയ പൈസയ്ക്ക് പണം വാങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്? सर, इसके पहले मैं बाहर से उच्च ब्याज दर पर पैसा लेके ही किसानी करते थे, अभी वो जो है ना आपके जो लाभ योजना के वजह से कम ब्याज में जो मिल रहे हैं सर। तो जो पैसे अभी बच रहे हैं तो परिवार के लिए अच्छे काम आते हैं? ओ, नल्ले नेटन डे सर। सर, उनको बहुत लाभ मिले प्राप्त हुए हैं सर। धर्मराजन जी, हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे? സാർ, ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് കുടുംബം പിന്നെ ജീവിച്ചു പോണത്, പിന്നെ മകളെ പഠിപ്പിച്ചു, ചെറിയ മോള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇനി വലിയ മോൾക്ക് കല്യാണം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫെബ്രുവരി 4-ന് ഉഷാറായിട്ട് പോണു സാർ. ഏജോ ഖേത്തി കർക്കേ മുജേ അപ്നി ദോ ബേട്ടിയാ ഹേ ഉൻകോ പഠായി കർവായി ഹേ സർ, അഭി ജോ
बड़ी बेटी जो जर्नलिस्ट डिप्लोमा हो चुके हैं उनका भी जो केरला विजन में काम कर रहे हैं, अभी उनके अगले अगले आने वाली जो फरवरी 4 में उनकी शादी है सर, वो आपकी कृपा से वो बहुत बढ़िया ढंग से चल रहे हैं सर अभी जीवन। चलिए आपने बहुत जीवन में प्रगति की है धर्मा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप एक प्रगतिशील किसान भी हैं, आप बेटियों को पढ़ा भी रहे हैं, आप मेहनत भी बहुत करते हैं, आपका जीवन सच में प्रेरणा देने वाला है। पैसों का सही उपयोग कैसे करना ये आपने करके दिखाया है। चलिए अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जुड़ रहा है। अब हिमाचल में शिमला के पास कुशला जी से जुड़ने जा रहे हैं। नमस्कार कुशला जी, नमस्ते। नमस्कार सर। कुशला जी कहां से बोल रही हैं? सर मेरा नाम कुशला देवी है, मैं रोडू वार्ड नंबर 1 जिला शिमला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूं। तो आप रोडू से बोल रही हैं? जी सर। जी अच्छा, आप क्या काम करती हैं, अपने बारे में भी कुछ बताइए। सर मैं प्राइमरी स्कूल में रहती हूँ, वाटर कैरियर सर, और वहाँ मैं झाड़ू पोछा पानी बेल वगैरह जो डाक वगैरह लेनी पड़ती है सर वो काम करती हूँ। 2022 में लगी सर मैं वहाँ पे, और मेरे 2 बच्चे भी है, और मैं अकेले हूँ, 2 बच्चे और 1 मैं। मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर के लिए पैसे मिला है। मेरा पहले घर कच्चा था जिससे बहुत सारी दिक्कतें आती थी सर, आपकी वजह से मेरे को 1,85,000 मिला जिससे मैंने पक्का मकान बनाया, उसमें 1 कमरा 1 किचन 1 बाथरूम है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए जो जमीन जिसके नाम जमीन होती है सर उसके खाते में 2,000 रुपये वो भी पड़ता है सर। तक कुशला जी आपने जी अपने जीवन के संकटों से हार नहीं मानी, इस हाँ दौरान सरकार की ये योजनाएं हैं, अब घर पक्का हाँ बन गया आपका? हाँ जी सर, अब पक्का घर है, अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे पढ़ते हैं, पक्का घर है तो? हाँ जी सर, बेटी मेरी 8th में है, 8th के पेपर दिए, बेटा 10th में है सर। लेकिन अब पक्का घर बन गया है तो मेहमान भी जाते आगे ज्यादा आते होंगे, खाना हाँ खर्चा वर्चा भी बहुत हो जाता होगा। हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा कुशला जी, जीवन में आए संकट के बावजूद भी आपने काफी हिम्मत से काम लिया, खुद को संभाला, हाँ जी सर। परिवार का सहारा बनी और अच्छा काम भी कर रही है, स्वाभिमान से जी रही है। आप ऐसे ही हिम्मत बनाए रखिए, और ये सरकार की कई योजनाएं हैं जो आपको आपके बच्चों के जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, वहां से आपको सारी जानकारियां मिलेगी, और सरकार हमेशा आपके साथ है। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने हर योजना का केंद्र हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को बनाया है। आप जैसी महिलाएं लगातार हमें अच्छा काम करने की शक्ति देती है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास? अब हम लखनऊ उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां अनिल जी जुड़े हुए हैं जो प्रधानमंत्री जी से संवाद करना चाहते हैं। अनिल जी नमस्ते। अनिल जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, शायद वहां कुछ माइक में गड़बड़ लगती है। अनिल जी सुनाई नहीं दे रहा है आपका, वहां कोई है तो उनको मदद कीजिए भैया, या अनिल जी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। नहीं उनका वो शायद तो माइक चलता होगा, यहाँ का कम्युनिकेशन वाला नहीं चलता होगा। शायद अनिल जी आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है, मुझे लगता है कि वहां जो लोग बैठे हैं उनको शायद कुछ मालूम नहीं है कैसे करते हैं।
ये हाथ वाले माइक का प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां जो नीचे रखा है ना उसका होगा, जहां से ट्रांसमिट होता है। यू आर द ओनली पार्टिसिपेंट। चलिए अनिल जी, आपका तो वहां का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं आगे के कार्यक्रम के लिए वहां से हमारे सचिव महोदय आगे बढ़ाएं इसको। हमारे साथ जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है। अनिल जी आगे हैं सर। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। अनिल जी नमस्ते। नमस्ते सर। अनिल जी बताइए। योजना का लाभार्थी हूं सर। मुझे 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिला था, जो कि पहले मेरा मकान कच्चा था और वो टीन सेट पड़ा हुआ था, और सर मैं सिलाई का काम उसी में करता था, बहुत दिक्कत होती थी, और उसके सिलाई काम करने के लिए मैंने बगल में कपड़ा किराए पे लिया रखा था, और अब जो है मेरा पूरा मकान बन गया है, मैं अपने घर पे काम कर रहा हूँ, जो मैं किराया देता था वो पैसा बच रहा है सर, अब मेरे जीवन बहुत सी आ गई है। अनिल जी आप तो लखनऊ के हैं और आपने तो कई दलों की सरकारें देखी हैं, क्या किसी दूसरी सरकार में इतनी योजनाओं का लाभ पहले कभी इतनी आसानी से मिला है आपको? फिर अनिल जी आपका शायद आवाज में गड़बड़ हो रही है, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है। चलिए हम आगे चलते हैं, क्या कार्यक्रम है आगे का? आज 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हरी झंडी दिखाकर इन राज्यों में यात्रा का शुभारंभ करें। पांच राज्यों में आचार संहिता तो प्रारंभ करने का अवसर मिला है। अब देश के सभी कोने में हो रहा है। आप सबको नमस्कार। बैठिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सब बैठिए। हम सबका मार्गदर्शन करें। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का
अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। और अभी जिन लाभार्थियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जन मन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत सत्कार की भी एक बड़ी स्पर्धा चल रही है, होड़ मची है, लोग नए नए तरीके से स्वागत कर रहे हैं। और मैंने देखा है नौजवान तो आजकल सेल्फी का भरपूर उपयोग करते हैं, गाड़ी के साथ अपनी सेल्फी भी करवा लेते हैं और वो अपलोड भी करते हैं। और लोग बड़ी संख्या में एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन रहे हैं, नमो ऐप को डाउनलोड करके उसमें विकसित भारत के एम्बेसडर बनने की योजना है, सब उससे जुड़ रहे हैं। गांव हो या शहर, बड़ी संख्या में लोग, जो क्विज कंपटीशन चल रहा है, प्रश्न उत्तर वाला एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जिससे नॉलेज भी बढ़ता है, जानकारियां मिलती है, उसका भी कंपटीशन में लोग भाग ले रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोग न सिर्फ पुरस्कार जीत रहे हैं बल्कि नई नई जानकारियां भी प्राप्त कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं। साथियों, इस यात्रा के शुरू होने के बाद ये चौथी बार है जब मैं वर्चुअली इस यात्रा से जुड़ रहा हूं। पिछले कार्यक्रमों में ज्यादातर मैंने ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोगों से संवाद किया था, पीएम किसान सम्मान निधि की बात हो, प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग की चर्चा हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अलग अलग जो आयाम होते हैं उसके संदर्भ में विचार विमर्श हो। मैंने हमारे गांवों को विकसित बनाने वाले अलग अलग छोटे मोटे कई विषयों पर चर्चा की। और मुझे भी जब मैं सभी संवाद कर रहा था तो इतनी बारीकियों से लोग बताते थे और मन को इतना आनंद होता था कि सरकार की योजनाएं गांव तक, गरीब के घर तक पहुंचती है। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए इस बार मेरा फोकस शहरी विकास से जुड़ी बातों पर था और मेरे संवाद भी जिनके साथ किया उसमें भी वो बातें थी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के लंबे समय तक जो भी विकास हुआ उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा, लेकिन आज हम देश के टीयर टू, टीयर थ्री इस शहरों के विकास पर बल दे रहे हैं। देश के सैकड़ों छोटे शहर ही विकसित भारत की भव्य इमारत को सशक्त करने वाले हैं। इसलिए अमृत मिशन हो या स्मार्ट सिटी मिशन, इनके तहत छोटे शहरों में मूल सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि वाटर सप्लाई हो, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम हो, ट्रैफिक सिस्टम हो, शहरों में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क हो, इन सभी को लगातार अपग्रेड किया जाए। स्वच्छता हो, पब्लिक टॉयलेट्स हो, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स हो, शहरों में इन पर भी पहली बार
इतने व्यापक स्तर पर काम हुआ है और इसका सीधा प्रभाव ईज ऑफ लिविंग पर पड़ा है, ईज ऑफ ट्रैवल पर हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हुआ है। गरीब हो, न्यू मिडिल क्लास हो, जो अभी अभी गरीबी से बाहर निकले हैं, ऐसा कि नया मध्यम वर्गीय परिवार पैदा हो रहा है, मिडिल क्लास हो या संपन्न परिवार हो, हर किसी को इन बढ़ती हुई सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार परिवार के सदस्य की तरह आपकी हर चिंता कम करने का प्रयास कर रही है। आपने देखा है, जब कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो सरकार ने आपकी मदद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमारी सरकार ने कोरोना के संकट के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ये हमारी सरकार है जिसने हर व्यक्ति को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन सुनिश्चित कराई। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त राशन की योजना शुरू की। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद भेजी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। हमारे रेहड़ी ठेले पटरी फुटपाथ पर काम करने वाले ये सभी साथी नाउम्मीद हो चुके थे। उनको लगता था चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, कुछ होने वाला नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं था। इन स्थितियों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। आज पीएम स्वनिधि योजना से इन साथियों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिल रहा है। देश में 50 लाख से अधिक ऐसे साथियों की बैंकों से मदद मिल चुकी है। इस यात्रा के दौरान भी 1.25 लाख साथियों ने मौके पर ही पीएम स्वनिधि के लिए आवेदन किया है। पीएम स्वनिधि योजना के 75% से अधिक लाभार्थी दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के साथी हैं। इसमें भी करीब 45% लाभार्थी हमारी बहनें हैं, यानी जिनके पास बैंक में रखने के लिए कोई गारंटी नहीं थी, मोदी की गारंटी उनके काम आ रही है। साथियों, शहर में रहने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 60 वर्ष की आयु के बाद भी सबको सुरक्षा कवच मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने गंभीरता से काम किया है। अटल पेंशन योजना से अभी तक देश के 6 करोड़ साथी जुड़ चुके हैं। इसे 60 वर्ष की आयु के बाद 5000 रुपये तक नियमित पेंशन सुनिश्चित हो रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शहर में रहने वाले गरीबों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बनी है। इसमें बीमाकर्ता को साल में एक बार केवल 20 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होता है और बदले में उसे 2 लाख रुपये का कवर मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत शहरी गरीबों को साल में सिर्फ 436 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इससे भी उन्हें
2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। हमारी सरकार इन दोनों योजनाओं के माध्यम से लोगों को अब तक जिनके परिवार में कोई संकट आ गया ऐसे परिवारों में 17,000 करोड़ रुपए, आप सोचिए 17,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि इन परिवारों को मिल चुकी है। संकट की घड़ी में इन परिवारों में जब स्वजन खो दिया हो और इतने रुपये आ जाएं तो कैसे दिन निकल जाए इसका आप अंदाज कर सकते हो। आज आप अंदाज लगा सकते हो कि 200-400 करोड़ की भी वो योजना शुरू करता है ना, कुछ रोजनाज राजनीतिक दल बोलते रहते हैं, हेडलाइंस बनवाने में जुटे जाते हैं, खबरें बनवा देते हैं। 17,000 करोड़ रुपया गरीब के घर पहुंच चुका है। भारत सरकार की इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि सरकार की इन पेंशन और बीमा योजनाओं से जुड़कर अपना सुरक्षा कवच जरूर मजबूत करें। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी इसमें आपकी मदद करेगी। साथियों, आज इनकम टैक्स में छूट हो या फिर सस्ते इलाज की सुविधा हो, सरकार की कोशिश शहरी परिवारों से ज्यादा उनके पैसे बचाने की है, बचत ज्यादा हो उनकी है। अब तक शहरों के करोड़ों गरीब आयुष्मान भारत योजना से जुड़ चुके हैं। आयुष्मान कार्ड की वजह से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया या तो डॉक्टरों के पास जाते या दवाइयों में जाते जो आज गरीब के जेब में रहे हैं, मध्यम वर्ग के जेब में रहे हैं। हमारी सरकार ने जो जन औषधि केंद्र खोले हैं, और मैं तो आज जो मुझे सुन रहे हैं सबसे कहता हूं, आपको दवाई खरीदनी है तो जन औषधि केंद्र से खरीदिए, 80% डिस्काउंट है। 100 रुपये की दवाई 20 रुपये मिल जाती है, आपका पैसा बचेगा। इन केंद्रों ने शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के जिन जिन लोगों ने जन औषधि केंद्र से दवाइयां खरीदी है, अगर वो जन औषधि केंद्र न होता तो उनका 25,000 करोड़ रुपया ज्यादा जाता। इनके 25,000 करोड़ रुपए बच गए हैं। अब तो सरकार जन औषधि केंद्र की संख्या को भी बढ़ा करके 25,000 करने जा रही है। बीते वर्षों में हमने उजाला योजना से देश में एलईडी बल्बों की क्रांति देखी है। इससे शहरी परिवारों के बिजली का बिल भी बहुत कम हुआ है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार गांवों से रोजगार के लिए शहर आने वाले गरीब भाई बहनों की मुश्किलों को समझती है। उनकी एक दिक्कत थी कि उनके गांव का राशन कार्ड दूसरे राज्य के शहरों में नहीं चलता था, इसलिए ही मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड बनाया। अब एक ही राशन कार्ड पर कोई भी परिवार, गांव हो या शहर, राशन ले सकता है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि कोई भी गरीब झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर न हो, सबके पास पक्की छत हो, पक्का घर हो। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार 4 करोड़ से ज्यादा घर बना चुकी है। इसमें से 1 करोड़ से अधिक घर शहरी गरीबों को मिले हैं। हमारी सरकार
मिडिल क्लास परिवारों के घर का सपना पूरा करने में भी हर संभव मदद कर रही है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत अभी तक लाखों मध्यम वर्गीय परिवारों को मदद दी जा चुकी है, जिनके पास अपना घर नहीं है, उनको सही किराए पर अच्छा घर मिले इसकी चिंता भी सरकार कर रही है। सरकार ने शहरी प्रवासियों, मजदूरों और दूसरे काम करने वाले साथियों को किराए के घरों के लिए विशेष योजना बनाई है। इसके लिए अनेक शहरों में विशेष कॉम्प्लेक्स भी बनाए जा रहे हैं। मेरे परिवारजनों, शहरों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बेहतर जीवन देने के लिए एक और बड़ा माध्यम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होता है। आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो काम बीते 10 वर्षों में हुआ है वो अतुलनीय है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 वर्ष से भी कम समय में 15 नए शहरों तक मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ है। आज कुल मिलाकर 27 शहरों में या तो मेट्रो चल चुकी है या फिर मेट्रो पर काम चल रहा है। बीते वर्षों में देश के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए भी केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पीएम ई बस सेवा अभियान, इसके तहत अनेक शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जा रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में भी केंद्र सरकार ने 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करवाई है। अब दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 1300 को पार कर गई है। मेरे परिवारजनों, हमारे शहर, हमारी युवा शक्ति और नारी शक्ति दोनों सशक्त करने के बहुत बड़े माध्यम है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी युवा शक्ति और नारी शक्ति दोनों को ही सशक्त कर रही है। इसका अधिक से अधिक लाभ आप सब उठाएं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएं। एक बार फिर आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, ये यात्रा को और ज्यादा लोगों को लाभ मिले, अधिक लोग जुड़े, यात्रा आने से पहले ही पूरे गांव में वातावरण बने, शहर के अलग अलग इलाके में वातावरण बने, और जिनको अब तक सरकारों का लाभ मिला है उनको वहां जरूर लाइए, ताकि बाकियों को विश्वास पैदा हो कि जिनको आज अभी लाभ नहीं मिला है, रह गए हैं, ये मोदी की गारंटी है भविष्य में मिलेगा। इसलिए उनको जितना ज्यादा लाएंगे, जितनी जानकारी मिलेगी, और हम कुछ भी कहें, जिसको मिला है वो जब बोलता है ना तो दूसरे का भरोसा बढ़ जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, जिन जिन लोगों को, किसी को गैस का कनेक्शन मिला होगा, किसी को बिजली का कनेक्शन मिला होगा, किसी को जल का कनेक्शन नल मिल गया होगा, किसी को घर मिल गया होगा, किसी को आयुष्मान कार्ड मिला होगा, किसी को मुद्रा योजना मिली होगी, किसी को स्वनिधि मिली होगी, किसी को बैंक से पैसा मिला होगा, किसी को बीमा का पैसा मिला होगा, बहुत सारे लाभ है। जब उसको पता चलता हमारे गांव में उसको मिला है तो उसको लगा चलो मैं भी रजिस्टर करवा देता हूं। और इसलिए जिसको मिला है वो ज्यादा आने चाहिए, वो आकर के बताने चाहिए कि देखो भाई ये योजना है मोदी की, इसका फायदा उठाओ। मुझे तो गांव से गरीब व्यक्ति तक, शहर की झुग्गी झोपड़ी तक सरकार के सभी लाभ पहुंचाने हैं और बिना मुश्किल को पहुंचाने हैं, और इसलिए ये गाड़ी चल पड़ी है। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है ना, वो आपके लिए है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, और देश में 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, ये देश
विकसित होके रहेगा, ये मिजाज पैदा करना है। हम सब कुछ अच्छा करेंगे और देश को अच्छा बनाएंगे, इस विचार को लेकर के चलना है। और ये वातावरण बनाने में ये यात्रा, ये गाड़ी, ये संकल्प बहुत काम आने वाला है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। वाहन मन ग्रामा की लकोरा ग्रामा की राव जी के प्रभुत् पधकाल ग्रामल अंदर की अंदे विधा कार्यक्रम से पड़ी जी कार्यक्रम में पागंट गवर्नी निजामाबाद जिला अडिशनल कलेक्टर श्रीमती चित्रा मिश्रा गारु, गवर्नी लक्कोरा ग्राम सरपंच श्री वंशी कृष्णा गारु, लक्कोरा ग्राम एमपीटीसी श्रीमती गंगामणि गारु, जिला डीआरडीओ चंद्र नायक गारु, जिला डीपीओ डॉक्टर जयसुधा गारु, अग्रिकल्चर ऑफिसर वाजिद हुसैन गारु, एलडीएम श्रीनिवासराव गारु, निजामाबाद जिला डीईओ दुर्गा प्रसाद गारु, आरडब्ल्यूएसई राकेश गारु, डीएमएनएचओ निजामाबाद डॉक्टर रमेश गारु, डीएलपीओ आरमूर श्री श्रीनिवास गारु, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన గ్రామ సోదర సోదరీమణులందరికీ, చిన్నపిల్లలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన ప్రేమ అభిమానాలతో నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అనేక కార్యక్రమాల అవగాహన కోసం నరేంద్ర మోడీ గారు చేపట్టిన వికసిత్ భారత్ సంకల్ప యాత్రకి మీ అందరికి స్వాగతం. అనేక కార్యక్రమాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రతి కుటుంబానికి, ప్రతి భారతీయ పౌరసత్వం ఉన్న వాళ్ళకి చేకూర్చాలన్నది నరేంద్ర మోడీ గారి, మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి గారి దృఢ సంకల్పం. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఎక్కడెక్కడైతే అర్హులున్నారో వాళ్ళకి పథకాలు ఇప్పటికీ అందలేదు, ఏ లిమిట్ లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి చేకూర్చే విధంగా ఈ కార్యక్రమం నరేంద్ర మోడీ గారు చేపట్టడం జరిగింది. దీనికి లిమిట్ లేదు. ఇందులో ఇల్లు లేని పేదలకి ఇంటి, నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కార్యక్రమంలో నమోదు చేసుకోండి, ఆరోగ్య బీమా పథకం, ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం, ప్రతి సంవత్సరం 5 లక్షల రూపాయల ఆరోగ్య బీమా మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అందించడం జరుగుతూ ఉంది. అందులో సుమారు 5 లక్షలకు పైన నిజామాబాద్ జిల్లాలో లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. ఆల్రెడీ అర్హులు ఇప్పటికీ మెంబర్షిప్ లేని వాళ్ళు దయచేసి ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే 40 రోజుల పైన మన జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుందో, సుమారు 550 గ్రామ పంచాయతీల దాకా మనకి మోదీ గారి గ్యారంటీ వాహనం మనకు రావడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారుల్లో దాని ఎంబడ రావడం జరుగుతుంది. అవగాహన కార్యక్రమము మీరు దరఖాస్తు చేసుకుంటే అవన్నీ కూడా వాళ్ళు అప్లోడ్ చేయబడతాయి. మీ ఏ కార్యక్రమంలో, ఏ స్కీమ్స్ లో మీరు చేరాలనుకుంటున్నారో, అది ఆవాస్ యోజన కొత్త ఇంటి కోసం కావచ్చు, ఆరోగ్య బీమా కోసం కావచ్చు, వ్యాపారాలు పెట్టుకోవడానికి ముద్రా లోన్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు, ప్రధానమంత్రి స్వనిధి కార్యక్రమం, స్ట్రీట్ వెండర్స్ చిరు వ్యాపారులు వీధి వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళకి 10,000 నుంచి మొదలుకొని మనకి వాళ్ళకి అన్సెక్యూర్డ్ లోన్ ఎటువంటి సెక్యూరిటీ లేకుండా మీకు అందించడం జరుగుతుంది. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్
మరుగుదొడ్లు లేని వాళ్ళు దయచేసి మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి, అది ప్రాసెస్ చేసి మీకు మరుగుదొడ్లు మీ ఇంట్లో అందరికీ కూడా లేని వాళ్ళకి చేకూర్చే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం చేస్తుంది. ఉజ్వల యోజన, గ్యాస్ కనెక్షన్లు, ఫ్రీ గ్యాస్ కనెక్షన్లు లేని వాళ్ళకి దయచేసి మీరు అప్లికేషన్ చేసుకోండి. ఈ వికసిత్ భారత్ ఈ యాత్రలో అందరు మహిళలకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఆహ్వానం పలుకుతా ఉన్నాము. సుకన్య సమృద్ధి యోజన, అమ్మాయిలు పుట్టినాక వాళ్ళకి బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమము, వాళ్ళకి 21 సంవత్సరం వచ్చేసరికి మీరు ప్రతి నెల 250 నుంచి 12.5 లక్షల వరకు మీరు బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేస్తే ఎక్కడ లేని విధంగా ఏ బ్యాంకు కూడా లేని విధంగా 8.3% రేటు మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు అందించడం జరుగుతూ ఉంది. 18 సంవత్సరాలు దాటినాక మనం జమ చేసుకున్న దాంట్లో సగం మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు, 21 ఇయర్స్ తర్వాత ఫుల్ టోటల్ గా డ్రా చేసుకునే ఆస్కారం ఉంటుంది. అదేవిధంగా జీవనజ్యోతి, మనకి జన్ధన్ ఖాతాలో కేవలం 20 రూపాయలు మనం కట్టినట్టయితే మనకి ఎటువంటి యాక్సిడెంట్ ఎవరికైనా దురదృష్టవశాత్తు జరిగితే 2 లక్షల రూపాయలు మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించడం జరుగుతుంది. అదే రకంగా ఈ జన్ధన్ ఖాతాల్లో కూడా మనం రూపాయి బ్యాంకులో ఇవ్వకుండా 0 బ్యాలెన్స్ ఖాతాలు మనం తెచ్చుకునే విధంగా సౌకర్యం మనకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇంకా కోట్లాది మంది భారతీయులు ఆల్రెడీ జన్ధన్ ఖాతాలు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. కేంద్రం నుంచే వచ్చే నిధులు, ఏదైనా కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కానీ ఎటువంటి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో దాని ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే నిధులు కూడా డైరెక్ట్ అకౌంట్లలోకి రావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి జీవనజ్యోతి బీమా, 18 నుంచి 50 సంవత్సరాలు వరకు 436 రూపాయలు కడితే ఎటువంటి ప్రమాదశాత్తు మరణించినా 2 లక్షల రూపాయలు మనకు కేటాయించడం జరుగుతుంది. ఈ రకంగా అనేక కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు మీ గ్రామానికి, మీ ఇంటికి ఢిల్లీ ప్రభుత్వం రావడం జరుగుతుంది. దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా నేను నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి నేను రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాను. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోండి. దయచేసి మీరు ఏ స్కీమ్స్ మీకు బెనిఫిషరీస్ కారు మీరు ఇప్పటికి మీరు అర్హులైతే దయచేసి పంచాయత్ సెక్రటరీలని ఈ వ్యాను వచ్చినప్పుడు మీరు లేకపోయినా కూడా తర్వాత పంచాయత్ సెక్రటరీ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు నమోదు చేయించుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ గా మీ ఖాతాల్లోకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మీకు రావాల్సిన నిధులు మీకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ గారు సమకూరుస్తారు. దీనికి లిమిట్ లేదు. ఎందరూ అర్హులుంటే అందరికీ, ప్రతి భారతీయ పేద కుటుంబానికి ఈ స్కీమ్స్ అన్ని వర్తించేలాగా నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టింది. దయచేసి దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి గారికి మీరు రానున్న కాలంలో ఆయన ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని, పూర్తిగా దీవించాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు డిస్ట్రిక్ట్ యంత్రాంగానికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నమస్కారం. ధన్యవాదాలు సార్.